हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है ITBP की तरफ से, कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती। और कौन से ट्रेड के लिए? किचन सर्विसेज के लिए रहने वाला है। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स में आपकी ये भर्ती रहेगी। ग्रुप सी का पोस्ट है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम सिलेबस या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स, देखिए, ग्रुप सी की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है ना, 819 यानी कि 819 पद के लिए आपकी ये भर्ती रहेगी। कैटेगरी वाइज बता देती हूँ मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। देखिए, सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए बात कर लेते हैं। जनरल के लिए 389 रहेगा, OBC के लिए 138 पोस्ट रहेगा, EWS के लिए 69, SC के लिए 41 और ST के लिए 60 यानी 60। टोटल जो है मेल कैंडिडेट का सीट 697 यानी 697 पद जो पुरुष उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए रहेगा। फीमेल्स के लिए जनरल का 69, OBC का 24, EWS का 12, SC का 7, ST का 10 यानी 10। टोटल फीमेल का सीट 122 यानी 122 पद महिला उम्मीदवार के लिए रहेगा। सो ये तो आपका सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब चर्चा करते हैं व्हाट इज द अप्लाई डेट, कब से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा। देखिए, कल से यानी कि 2 सितंबर से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई 1 अक्टूबर 2024 रहेगा। लेकिन आपको 1 अक्टूबर तक बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। जल्द से जल्द अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो फॉर्म भर ही दीजिएगा, ताकि बाद में जब सर्वर इशू हो तो उस समय आपका फॉर्म कम्प्लीट रहे। ठीक है, फॉर्म की जो फी रहेगी, जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज़ यानी 100 रुपया लिया जाएगा। SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट, एक सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट से नो चार्ज विल बी डिडक्टेड। मतलब कि जो SC ST है, एक सर्विसमैन है और महिला कैंडिडेट है, उनसे कोई फी नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर फी एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, बात करते हैं एज की लिमिट के बारे में। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज द कट ऑफ डेट फॉर योर एज कैलकुलेशन। एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 यानी कि 1 अक्टूबर 2024 जो कि आपका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है, वही एज के लिए कट ऑफ डेट रहेगा। उसके अकॉर्डिंग 18 to 25 यानी 18 वर्ष से 25 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एज में कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है फॉर दी अपर एज लिमिट, तो जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST को 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष का। तो ये था एज का क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, 10th पास यानी जिन्होंने भी 10वीं पास कर रखी है, अब उसमें आपका क्या परसेंटेज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने मैट्रिक पास कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपके पास फूड प्रोडक्शन या फिर किचन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ्रॉम NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपके पास फूड प्रोडक्शन या किचन का होना चाहिए, या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। और अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो इसके थ्रू आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, तो आप उससे सर्टिफिकेट आप लेके कर सकते हैं। ध्यान रहे कि फेक सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। अगर आपके पास है तो अप्लाई करें, नहीं तो आप उसको मतलब सीखिए और उसके बाद सर्टिफिकेट लीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम अभी BSF में किचन सर्विसेज की भर्ती आई थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने फेक सर्टिफिकेट बनवाया और ज्वाइनिंग कर ली। ज्वाइनिंग के बाद अभी उन सभी को निकाला जा रहा है जिनके पास ये फेक सर्टिफिकेट है, तो ध्यान रखें। और सर्टिफिकेट में भी आपके पास NSQF और इसका है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, तो चलेगा, इससे बनवा सकते हैं।
अब बात करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी कि आप किन किन स्टेज से पास आउट करने के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, देयर विल बी फोर स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द फिजिकल इन विच यू हैव टू क्लियर पीईटी एंड पीएचडी। सबसे पहले फिजिकल होता है, फिर रिटर्न एग्जाम होता है, मतलब रिटर्न नहीं होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, फिर डीवी यानी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, लास्टली मेडिकल होगा, सिंपल सा एक मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो चलिए ज्वाइनिंग लेटर तक के सभी प्रोसेस को इन डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 100 मार्क्स पर क्वेश्चन, ना 1 मार्क मिलता है 100 प्रश्न 100 नंबर के लिए। टाइम विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे की परीक्षा होगी एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स देखिए, सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें ना, तो जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चंस यानी कि 10 प्रश्न रहेंगे, मैथमेटिक्स से 10 प्रश्न रहेंगे, हिंदी से 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। तो टोटल ये 4 सब्जेक्ट से कितना हो गया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। अब उसके बाद जो रेस्ट आपका 60 मार्क्स है ना, वो आपको मिलता है आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन का, 60 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स। अब ट्रेड क्या है आपका, किचन सर्विसेज की भर्ती आई है तो किचन से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, खाना पीना से रिलेटेड, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आप जानते हो कि नहीं, कैसे क्या होता है, वो आपको परीक्षा में ही पूछा जाएगा। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न जिसमें क्वालिफाई करोगे आप, तब आपको एक सिंपल सा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। सिंपल सा नहीं होता, डिफेंस सेक्टर का है तो थोड़ा सा तो उसमें रहता ही है, जो हाइट, चेस्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग। तो चलिए वो भी मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपकी हाइट की मेजरमेंट होती है। मेल कैंडिडेट के लिए 170 यानी 170 सेंटीमीटर, एसटी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 157 यानी 157 सेंटीमीटर और एसटी वाले फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट का विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, 80 to 85, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है। और जो एसटी कैंडिडेट होंगे मेल, उनका 76 to 81, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये रहा आपका चेस्ट का क्राइटेरिया। देन आपका क्या होगा, पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें सबसे पहले रनिंग होगी। तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग होगी मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि उनको 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। जो फीमेल कैंडिडेट है ना, महिला उम्मीदवार, उनके लिए 800 मीटर यानी 800 मीटर की दौड़ होगी, उनको कंप्लीट करना है 4 मिनट 45 सेकंड में। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होता है, 11 फीट रहता है मेल कैंडिडेट के लिए और 9 फीट फीमेल्स के लिए। लास्टली हाई जंप है, 3.5 यानी 3.5 फीट है मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और ये जो आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप होता है ना, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 मौका दिया जाता है, मतलब दोनों चीज़ के लिए 3-3 अटेम्प्ट आपको मिलेगा। तो ये फिजिकल के बाद आपका डीवी होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, बेसिक एक मेडिकल होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाएगी। अब रही बात कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, तो आप जिस स्टेट से फॉर्म भरते हो आपके नियर बाय सिटी में ही आपका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। और जॉब की लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में रहेगी, जहाँ पर भी ITBP आपको अलोकेट करेगा वहाँ पर आपको सर्विस देना होगा। तो सर्व करेंगे तो सैलरी क्या मिलेगी, आइए मैं बता देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको सैलरी मिलता है 21,700 इन स्टार्टिंग एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस। पर ईयर जब इंक्रीमेंट होती है ना, तब आपकी सैलरी 69,100 यानी 70,000 के तकरीबन हो जाती है। तो ये तो था आपका लिखा हुआ सैलरी जो कि नोटिफिकेशन में, बट एक्चुअली ना आपको स्टार्टिंग में सैलरी 35,000 से 40,000 मिलती है, बाद में ना उसको इंक्रीज करके 80,000 से 90,000 तक पहुंचाया जाता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और ज़्यादा कुछ आपसे यहाँ पर डिमांड भी नहीं किया गया, तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करें अगर आप इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है तो।
और हाँ, इससे रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो डाउनलोड करके आप एक बार थॉरो आउट रीड करना, एग्जाम सिलेबस वगैरह भी देख लेना। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलेंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।